आजकल की तेजी से बदलती दुनिया में स्मार्टफोन हमारे डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्मार्टफोन से आपके ब्रेन पर क्या असर हो रहा है? आइए जानते हैं यह 5 आश्चर्यजनक तरीके जिनसे स्मार्टफोन हमारे दिमाग को बदल रहा है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला, लगातार स्मार्टफोन का इस्तेमाल हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर रहा है। दिन भर फोन के यूज और उसकी नोटिफिकेशन से हमारा ध्यान भटकता रहता है और हमें दूसरे कामों पर फोकस करने में बहुत मुश्किल होती है। पिछले 2 दशकों में इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन इतना घट गया है कि आज एक मछली से भी कम हो गया है। है ना चिंता की बात? दूसरा, ओवर डिपेंडेंसी ऑन स्मार्टफोन हमारी याददाश्त को कम कर रही है। आज के एडवांस दौर में स्मार्टफोन्स में कई ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को याद रखने की जरूरत को खत्म कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, हमारा फोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखता है, आवाज सुन के नोट्स बना देता है, सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड्स को फोन में तुरंत सेव कर देता है, जिससे हम और अधिक फोन पर डिपेंड हो रहे हैं। बहुत ज्यादा स्मार्टफोन पर डिपेंड रहने से हमारे मेमोरी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। इस डिपेंडेंसी के कारण चीजों को याद रखने की हमारी क्षमता घटती जा रही है और समय के साथ हम बुद्धू बनते जा रहे हैं। तीसरा, स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे सोशल स्किल्स को बर्बाद कर रहा है। स्मार्टफोन के जरिए वीडियो कॉल, मैसेंजर और अलग तरह की एप्लीकेशंस पर होने वाली बातचीत से हम असल जीवन में आमने सामने की बातचीत को कम करते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ऑनलाइन इंटरेक्शन करना हमारे सोशल स्किल्स को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम रियल लाइफ सिचुएशन में ऑकवर्ड फील करते हैं और अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते। चौथा, स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के पैटर्न को खराब कर रही है। रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट के संपर्क में आने से नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में कमी आती है। इसकी वजह से हमें नींद आने में काफी समय लगता है और नींद पूरी ना होने कारण दिन भर तनाव बना रहता है, और अंत में लगातार नोटिफिकेशंस और बाहरी दुनिया से जुड़े रहने का दबाव लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट चिंता और तनाव को बढ़ाता है। स्मार्टफोन के जरिए आज हम सोशल मीडिया पर दिन भर एक्टिव रहते हैं, जिससे हमारे दिमाग पर गहरा असर होता है। हम इसी चिंता में रहते हैं कि हम कुछ मिस ना कर दे। हमारी खुशी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ज्यादा निर्भर हो गई है और हम खुद खुश रहना भूलते जा रहे हैं। हालांकि स्मार्टफोन अनबिलीवेबल बेनिफिट्स और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किसी भी चीज की अति हमेशा बुरी ही होती है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फोन को उतना ही इस्तेमाल करें जितना नेसेसरी हो। हमारे ब्रेन और ओवरऑल वेलबींग के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक रहना भी महत्वपूर्ण है। इनसे बचने के लिए हमें हमारे स्मार्टफोन के यूज को लिमिट करना चाहिए। इसके अलावा काम के बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, माइंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और वास्तविक जीवन शैली को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेडिटेशन भी एक आसान उपाय है जिससे हम अपने दिमाग को हेल्थी बना सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो मेडिटेशन मैजिक को आप जरूर देखें, जिसमें आप जानेंगे कि मेडिटेशन करने से ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।